महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। आज महिला कांग्रेस अध्यक्ष रागिनी परते के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने नेहरू स्मारक चौराहा पर सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन दिया और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को लालीपा बताकर केंद्र सरकार का विरोध किया गया। सड़क पर खाली सिलेंडर रखकर चूल्हा जलाकर रोटी पकाई और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार लगातार गैस के दाम बढ़ा रही है जिससे आम आदमी की बजट बिगड़ रही है। एक महीने में 100 रुपये कीमत बढ़ाई गई है। उज्ज्वला योजना के 70% सिलेंडर दोबारा नहीं भरे गए। लोग पुनः चूल्हा में भोजन पकाने मजबूर हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ये बीजेपी सरकार द्वारा जो लगातार पेट्रोल डीजल और ये पेट्रोल को ये अगर रसोई गैस को लेके जो महंगाई बढ़ाई जा रही है उसी के संबंध में आज हम लोगों ने महिला कांग्रेस जिला महिला कांग्रेस के तरफ से आज यहाँ चूल्हे पे रोटी बना के और धरना प्रदर्शन का आयोजित किया ये कार्यक्रम। तो आगे भी कुछ इसी तरह के आंदोलन करते रहेंगे? बिल्कुल आंदोलन चलेंगे। कोरोना काल में जैसे आप देख रहे हैं कि लोग खाने को तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, कमा नहीं पा रहे हैं वो, और आज लगातार बीजेपी सरकार जो अनवरत रूप से जो जरूरतमंद चीज़ें हैं जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर लगातार कीमतें बढ़ा रही है जिसका हम विरोध लगातार करते आएंगे। और अगर इस पर भी अगर नहीं हो तो जन आंदोलन महिला कांग्रेस की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी की तरफ से एक आंदोलन किया जाएगा। अभी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल में निरंतर वृद्धि हो रही है और साथ में जो घरेलू गैस जो है जो एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब महत्वपूर्ण वो है जिसको जो आज सरकार ने अपनी योजना के तहत चलाया उज्ज्वला योजना करके, आज वो उज्ज्वला योजना एक लॉलीपॉप से कम नहीं है। जिस तरह हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह उज्ज्वला योजना बांटा गया, आज हम देखते हैं कि सभी के घरों में वो गैस टंकी जो है वो रखी पड़ी हुई है। आज वो अतिरिक्त भार के तहत गैस उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और जो दैनिक रोजमर्रा में है जो भोजन निर्माण में अति आवश्यक चीज़ें हैं ईंधन, तो वो जो है गांव से गांव में ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ियां भी हम बाहर से नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि गांव में समितियां वन समितियां बनी हुई हैं जिसके कारण भोजन निर्माण करने में बहुत ही समस्या जा रही है। और सरकार ने एक योजना चलाकर एक लॉलीपॉप ही तो दिया महिलाओं को और कुछ नहीं दिया। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम की तरफ से ये मांग है कि जो बढ़ती हुई रसोई गैस की मूल्य वृद्धि है उसको वापस ले सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। क्या होना चाहिए अब उसमें? तो गैस मूल्य वृद्धि को अगर कम करता है तो कम से कम हम महिलाओं को एक राहत मिलेगी और जिस तरह से जो पैकेज का भार पड़ रहा है उससे हमें राहत होगी और हम महिलाएं उसमें राहत महसूस कर पाएंगे। देखिए वर्तमान जो स्थिति है देश की उसमें कोरोना काल के बाद से
निरंतर जो है आम आदमी परेशान है। सबसे पहली मार उसको पड़ी कोरोना काल में कि वो अपने घर का बहुत ही आसानी से सुलभ तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है, नौकरियां छिन गई, आज घर चलाना मुश्किल है। इसके बावजूद सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जिससे आम आदमी का जीवन सुलभ हो सके, लेकिन इसके जस्ट विपरीत हुआ ये कि ये निरंतर महंगाई बढ़ाना शुरू किया केंद्र सरकार ने। आज आप देखेंगे कि घरेलू जो गैस है इसकी कीमत क्या है, एक महीने के अंदर 50-50 रुपए करके दो बार में 100 रुपए बढ़ा दिए गए। आज बाकी दूसरी चीज़ें भी आप जाएं जिनके कारण ये सारे प्रभाव पड़ते हैं, चाहे डीजल की बात हो पेट्रोल की बात हो, पूरे देश का जो है एक आम नागरिक परेशान है, गृहिणी परेशान है, हर घर का बजट जो है हर घर का बजट बिगड़ चुका है, उसकी जो है घरेलू ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस बातों को लेकर के आज महिला कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है और सरकार को जगाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये भी आरोप है कि जो उज्ज्वला योजना लाई गई थी, उज्ज्वला योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप साबित हुई है। आप देखेंगे ये हम नहीं बोल रहे, ये आंकड़े आ रहे हैं। आज हम पूरे देश की बात ना भी करें तो मंडला ज़िले की बात ले लें। अभी कुछ दिनों पूर्व मंडला ज़िले के जो है गैस कंपनी के संचालक ने ये आंकड़े सहित बताया था कि उज्ज्वला योजना लाई गई, लोगों को सिलेंडर बांटे गए, गैस चूल्हे बांटे गए सिर्फ एक बार, उसके बाद आज कितने का उपयोग हो रहा है, मात्र 25-30% बाकी रह गए हैं और 70% जो है मार्केट से और घरों से सिलेंडर और चूल्हे गायब हो चुके हैं। वापस उसी धारा में फिर लोग बहने लगे कि लकड़ी और चूल्हा की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप था, ये जनता के साथ धोखा था केंद्र सरकार का, और ये इसलिए धोखा उन्होंने किया था, उनको वोट चाहिए थे, सिर्फ चुनाव के समय ये ऐसी योजना ला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज इसी बात को लेकर के महिला कांग्रेस ने झंडा उठाया है, जिला कांग्रेस उनके साथ में है और ये निरंतर लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक ये मूल वृद्धि अपनी वापस नहीं लेते, आम जनता को कुछ सुलभ सस्ता जो है रसोई उपलब्ध नहीं कराते, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और सरकार को चेताने का हमारा ये प्रयास होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।